नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टीवी प्राइम। आज स्थानीय सरकार के संसदीय मामले, भूमि और जल सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार मंत्री इंदरबीर सिंह निजर रूपनगर पहुंचे। इस अवसर पर रूपनगर पहुंचने पर पंजाब पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नगर शहर की पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा, साथ ही शहरवासियों को नहरी पानी मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वचनबद्ध है और समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत पंजाब सरकार द्वारा नई कॉलोनियों को काटने के संबंध में चेंज ऑफ लैंड लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शहरवासियों की पेयजल समस्या के समाधान के लिए रूपनगर शहर में नहरी पानी की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी, साथ ही बारिश के पानी की निकासी से जुड़ी दिक्कतों को हर हाल में दूर किया जाएगा और लोगों को राहत दी जाएगी। रूपनगर शहर की जल निकासी परियोजना के संबंध में आईआईटी की तरफ से सर्वे कर लिया गया है और जल्द ही शहर को नई जल निकासी परियोजना दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीने के लिए नहर का पानी उपलब्ध कराने के लिए चार बड़े शहरों का चयन किया गया है, जिनमें अमृतसर, पटियाला, जालंधर और लुधियाना शामिल हैं और 87 छोटे शहर के साथ रूपनगर को भी उन शहरों की सूची में शामिल किया जा रहा है। इस मौके पर इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा कि स्थानीय सरकारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के नक्शे पास नहीं किए जा रहे हैं और जिन कॉलोनियों को मंजूरी ली है उनके नक्शे को लेकर कोई समस्या नहीं है। उन्हें अस्वीकृत कॉलोनियों के संबंध में कुछ समस्याओं की भी जानकारी है, उन्हें वैसे भी दूर किया जाएगा। रेड लाइन के भीतर संपत्तियों से जुड़े मुद्दों का भी जल्द समाधान होगा। इस अवसर पर रूपनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री दिनेश चड्ढा और शहरवासियों ने शहर से जुड़ी समस्याओं से कैबिनेट मंत्री का ध्यान दिलाया। इनमें शहर की सड़कों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज का ठीक से नहीं चलना, शहर में दोनों सामुदायिक हॉलों की खराब स्थिति, कचरा प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं। इनके बारे में निज्जर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए समय से इन समस्याओं का समाधान करने को कहा। उन्होंने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान भी किया। पंजाब टीवी प्राइम के लिए रोपड़ से पुलकित कुमार की रिपोर्ट। देखो, मैं हर एक शहर विजिट कर रहे हैं। परसों मैं बठिंडा संगरूर गया सीगा, ते चड्ढा साहब ना भी गल हुई सी, इन्हें भी कहा कि तुसी साडे शहर आओ और मुश्किलें जड़ियाँ पर रल मिल के इन्हों हल करिए। सो मुश्किलें तो सारे शहर दी बेसिकली उही जा रही ने कि पानी सानू साफ नहीं मिल रहा, हले सीवर साढ़े साफ नहीं गए और जो मीह पैंदा तो कई इलाके जो शहर के होंगे डुब जाते हैं और इतने ज़्यादा शर्मनाक गल है रोपड़ वर्गे शहर वास्ते जिते नैचुरल स्लो बहुत है, जो कुदरती तौर पर ढलाना बहुत है, जे इतने भी कुछ इलाके डुबते फिर साढ़े च नुकसान कोई। सो उसके वास्ते असी सारा वर्कआउट कर रहे हैं। अज ऑफिसर साहबान भी बैठे सके, साढ़े मैम डी सी भी बैठे ने, SSP साहब भी बैठे ने, तो उन्होंने सारे ना गल हुई है और हल की करना चाहिए वो बारे असी डेफिनेटली जल्दी हल करांगे, क्योंकि मैं मेरा इंटरेस्ट है कि आप हर एक शहर वास्ते कुछ ना कुछ कर सके। ताई मैं जाके आप पर्सनली जाके सब शहर की मुश्किलें सुन के आ रहा। प्लानिंग की लोड़ है, देखो हर एक गल प्रायोरिटी होंगी है ना। तुम घर जो 100 रुपए लैके आते हो तो वेखना का की करना, मैं भी बच्चे की फीस देनी है कि मैं हस्पताल का बिल देना है कि मैं टेलीविजन लैके आना है। सो इस तरह साड़ी भी प्रायोरिटीज ने, सू पानी चाहिए है कि सू की चाहिए है। और यह मेरे दिल कोई डाउट ये बारे नहीं है कि जे असी अपनी जिनी अपनी पॉपुलेशन है पंजाब की जो साफ पानी पीने वाला दे सकी, जो सीवर साफ उन्होंने दे सकी, जो असी रेन वाटर बाहर कड़ सकी, तो अद्धिया समस्यावान साढ़िया हल होंगे सेहत दिया भी और बीमारी वगैरह दिया भी। सो इस अधीन असी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। चार जो बड़े शहर ने जिस तरह अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, इतने ग्राउंड वाटर की सप्लाई कर रहे हैं, फिल्टरिंग प्लांट लगन के नहरों का पानी जोड़ा साफ होकर वो घर जाएगा। जे अमृतसर, लुधियाना, पटियाला 24 घंटे पानी चलेगा और जलंधर चले फिलहाल इंटरमीडियंट होएगा, मतलब टाइम आएगा सवेरे टाइम आएगा शाम को। सो इस तरह ही 87 होर असी वो ले ने शहर ले ने जिन्हें असी ये कर जा रहे हैं और जो नैक्सट लिस्ट बनेगी वो असी रोपड़ का ना भी पाली मैच इनफैक्ट कहता सीगा सा महकमा डील करता उन्होंने कहता सी कि रोपड़ का भी नाम पा लो, क्योंकि नहर बड़ी लागू निकलती है अपने, बड़ा सोहना साफ पानी है, थोड़े फिल्ट्रेशन की लड़ पेगी उन्होंने। सो फिल्टर करके
ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਤਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 24 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ 24 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 25 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 87 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 2 ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੇਸ ਰੂਪ ਬਿੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਮਿਕਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਬਦਰ ਮੋਟਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਰੇਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ 4-6 ਇੰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬੇਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਣਾ 200-200 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, 300-300 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ, ਬਰਮ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।